डोनर एग या स्पर्म जो हमारे आईसीएमआर की गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग कभी भी रिलेटिव्स नहीं हो सकते हैं जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और वो ठीक भी नहीं है, लीगली भी ठीक नहीं है, साइकोलॉजिकली भी ठीक नहीं है। लीगली इसलिए ठीक नहीं, जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया है। लीगली इसलिए ठीक नहीं है बिकॉज कल को भाई सेम घर में दो बच्चे पल रहे हैं, एक का बच्चा उतना अच्छा नहीं हुआ, दूसरे का बच्चा उतना अच्छा हो गया, या फिर एक को एक ही सेक्स के बच्चे थे, दूसरे को दूसरे सेक्स के बच्चे हो गए, तो एक जुड़ाव या लगाव होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। और कल को यही चीज़ बच्चे तक पहुँचने की बहुत बड़ी मतलब चांसेस होते हैं, बहुत हाई चांसेस होते हैं, और बच्चे का उस समय माइंड पूरे से डेवलप नहीं रहेगा और बच्चे को ये सब बातें बता दी जाएंगी तो बच्चे के विकास पे इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और दो फैमिलीज़ में भी आपस में कटुता आएगी। तो इनिशियली आप देखोगे जिस चीज़ को अच्छी चीज़ के लिए स्टार्ट किया गया था वो अल्टीमेटली एक बहुत ही गंदे तरह से उस चीज़ की ख़त्म होती है। दूसरी चीज़ ये है कि डोनर अगर आप जानते हो, उसको आप फिजिकली देखे हुए हो, तो आपका माइंड हमेशा ही उस चीज़ को कंपेयर करने की कोशिश करेगा उस बच्चे से, तो वो साइकोलॉजिकली एक मदर या फादर के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। इसलिए डोनर हमेशा ही डबल ब्लाइंड लिया जाता है। बोलने का मतलब ना आपको पता है कि किसके पास कहाँ आपने डोनेट किया है, ना जिसने रेसिपिएंट ने लिया उसको पता है कि किसने डोनेट किया है। तीसरी चीज़, अगर डोनर को पता होगा कि उसने कहाँ पे दिया तो डोनर के चांसेस होते हैं कि वो रेसिपिएंट को फॉलो कर सकता है, रिश्तेदार हो या नहीं हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती हैं, आपस के जो रिलेशन हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम करेंगी। पेशेंट को ये लगता है कि हमारा कुछ दिन के लिए पैसा बच जाएगा इसलिए हम डोनर जो है सो नहीं लें सेंटर से, या हम प्रोफेशनल डोनर्स नहीं लें, एआरटी बैंक से नहीं लें। वो अक्सर अपने रिश्तेदार को ले आते हैं कि ये एग डोनेट कर देगा या स्पर्म डोनेट कर देता है, पर ये सही नहीं है। एग डोनर या स्पर्म डोनर हमेशा ही आपसे कोई रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और ना आप उसको जाने ना वो आपको जाने। सरोगेसी आप ज़रूर कर सकते हो, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आप सरोगेसी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपके रिलेशन होते हैं, पर एग डोनर और स्पर्म डोनर आप बिल्कुल नहीं ले सकते हो। हम रखें आपका ख्याल।